हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी से पार्ट 5। ये जो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश वोकैबुलरी की, जिसमें मैं आपको द हिंदू पेपर और भी जो अलग इंग्लिश के पेपर्स हैं उनमें से जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो लेकर के आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ उनकी मीनिंग हिंदी इंग्लिश में और कैसे उसको यूज़ करते हैं। पॉजिटिव टोन का शब्द है, नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और न्यू पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह मैं बना करके यहाँ पे पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, इससे पहले जो 4 मैंने दे दिए हैं, तो आपको यहाँ कॉर्नर में मैं लिंक दूंगा, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं वो सारी वीडियोस, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप फॉलो करते रहिए इसी तरह, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। तो यहाँ पे जो लोग जान रहे हैं फॉलो कर, उनको तो पता है कि 4 यहाँ पे वर्ड दिए रहेंगे, जिनमें 2 वर्ड आपको मोस्ट नियरली सेम या अपोजिट मीनिंग के खोज के निकालने हैं। तो अगर आप निकाल लेते हैं या नहीं लेते हैं वो तभी होगा जब आपको यहाँ पे चारों शब्दों के मतलब पता हो। तो यहाँ पे हम यही कोशिश करेंगे कि जितने शब्द हैं उनके मतलब क्या हैं वो हम समझते हैं। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, प्रूडिश। तो प्रूडिश अगर किसी के साथ इस्तेमाल होता है, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो प्रूडिश, तो उसका मतलब है कि वो व्यक्ति पाखंडी है या फिर नखरेबाज टाइप का व्यक्ति है। मतलब वो, यहाँ पे इंग्लिश देखिए लिखा हुआ है, एक्सेसिवली प्रॉपर और मॉडेस्ट इन स्पीच कंडक्ट और ड्रेस। मतलब वो अपनी स्पीच कंडक्ट या फिर ड्रेस में बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रॉपर है या फिर बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट बनने का प्रयास कर रहा है। मतलब एक समझिए कि हद से ज़्यादा अगर कोई विनम्र हो जाता है तो कैसा लगता है, एकदम पाखंडी सा लगता है। तो वही यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है, ठीक है। तो एकदम एक्सट्रीमनेस को ये दर्शाता है। इसी तरह बी वाले ऑप्शन को देखिए क्या लिखा हुआ है, बूगी। बूगी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रेतात्मा या फिर शैतान आत्मा के लिए किया जाता है। लिखा हुआ है इंग्लिश में, एन इविल और मिसचीवियस स्पिरिट, ठीक है। तो अगर बूगी शब्द आता है मतलब प्रेतात्मा या फिर कोई ऐसी चीज़ जो डराने वाली हो, ठीक है, डराने वाली कोई चीज़ हो तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बूगी का। फिर है प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है, प्रोडिजी देखिए उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कई बार उन एडल्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो बचपन से ही कुछ ज़्यादा ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। मतलब बचपन से ही उनमें ऐसे गुण दिखने लगते हैं जो कि सामान्य व्यक्तियों से नहीं रहते हैं। जैसे आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको दिखता होगा कि कोई व्यक्ति है जो 15 साल में किसी ने PhD कर ली, या फिर कोई व्यक्ति है जिसने 20 साल में कोई एक पेपर लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे अगर व्यक्ति हैं, मतलब आप देखिए तो 20 साल में लोग ग्रेजुएशन तक नहीं कंप्लीट कर पाते हैं या ग्रेजुएट ही हो पाते हैं। 20 साल में अगर कोई PhD करके पेपर लिख रहा है किसी भी विषय पे, मतलब कितना ज़्यादा वो बुद्धि का धनी है, मतलब वो विलक्षण प्रतिभा का। और सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, म्यूज़िक के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडिजी, ठीक है। लिखा हुआ है, अ यंग पर्सन विथ एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़, ठीक है। आखिरी शब्द यहाँ पे क्या है, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, तुनक मिजाज या फिर दुराध्य। लिखा हुआ है, वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। मतलब अगर किसी व्यक्ति के लिए फास्टिडियस इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो व्यक्ति कैसा है, किसी भी एक्यूरेसी या डिटेल के लिए, कोई काम है उसकी एक्यूरेसी और डिटेल को लेकर के बहुत ज़्यादा अटेंटिव है और एकदम कंसर्न है। ऐसे होता है ना कि आपको कोई काम दिया गया है अगर करने के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति आपसे उम्मीद करे कि उसमें 0.001% भी गलती नहीं हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मानवीय बिहेवियर क्या है कि थोड़ी बहुत गलतियां तो चलती हैं। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो जो 0.001% की गलती भी बर्दाश्त ना कर सके, वो क्या कहलाएगा, फास्टिडियस, तुनक मिजाज या फिर दुराद, इसीलिए कहा गया है। मतलब उसके द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, जो करने को कहा जा रहा है, वो उसको करना या फिर उस तक पहुंचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये भी एक्सट्रीम कंडीशन को दिखा रहा है। तो इन चारों में कौन सा होगा जो दो पेयर बना, यहाँ पे जो एक पेयर बन सकता है, तो इसमें देखिए कोई कह सकते हैं एकदम मोस्ट नियरली भी सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन पहला और आखिरी वाला ये किसी आदमी के कैरेक्टर को दिखा रहा है। पहला जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, वो भी क्या एक तरीके से नखरेबाजों पाखंडी में ही आ जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रॉपर मॉडेस्ट है स्पीच कंडक्ट या ड्रेस में। इसी तरह जो फास्टिडियस है, वो भी व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव और कंसर्न है एक्यूरेसी और डिटेल में, वो भी एक तुनक मिजाज टाइप का आदमी है। तो दोनों कह सकते हैं कि नियरली सेम मीनिंग में आ रहे हैं, बाकी के तो और कहीं तो मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तीसरा वाला, ए एंड डी। दूसरा देखते हैं, दूसरे का पहला शब्द क्या है, इवेड। इवेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से बच निकलना या फिर पकड़ में ना आना, ठीक है। जैसे आपको कोई ढूंढ रहा हो, आप इवेड कर गए, मतलब
आप उससे बच के निकल गए। लिखा हुआ एस्केप और अवॉइड समवन और समथिंग स्पेशली बाय गाइल और ट्रिकरी। देखिए गाइल जो शब्द है मैंने आपको पार्ट फोर में बताया था इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने पार्ट फोर देख रखा होगा तो आपको पता चल गया होगा इसका मतलब क्या होता है गाइल का। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी स्मार्टनेस दिखा करके बच निकले, मतलब अगर कोई सिस्टम है उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं, उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा करके कोई व्यक्ति बच निकले तो उसको कहेंगे इवेड। जैसे एक टर्म बहुत आप देखते हैं टैक्स इवेडिंग। टैक्स इवेडिंग क्या करते हैं लोग, जो टैक्स के रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लूप होल होते हैं, उन्हीं का फायदा उठा करके अपना टैक्स वगैरह बचा लेते हैं, या फिर कुछ स्मार्टनेस या ट्रिकरी दिखा करके, चालाकी दिखा करके टैक्स बचाते हैं। तो टैक्स इवेडिंग शब्द आप बहुत सुनते होंगे, तो उस इवेड का मतलब यही है कि टैक्स को बचाना। ठीक है, बी वाला जो है वो क्या लिखा, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या है, मॉर्न मतलब होता है रोना। ठीक है, तो मॉर्निंग का मतलब क्या है, उदासी मातम। लिखा हुआ द एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो फॉर समवनस डेथ, कि अगर कोई व्यक्ति मर जा रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो उसके मरने की वजह से अगर कोई व्यक्ति अपना सौरव दिखा रहा है, दुख दिखा रहा है, तो मॉर्निंग कहला गया। फिर सीधे समझिए, अगर कोई व्यक्ति आपका अगर जानने वाला है किसी की डेथ हो रही है तो आप उसके मरने में क्या करेंगे, आप रोएंगे, आप भी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, तो वो कंडीशन कहलाती है मॉर्न। सी वाला ऑप्शन क्या है, लिखा हुआ है रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब क्या होता है, रिवैम्प का मतलब होता है मरम्मत करना या फिर नया करना। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, चाहे कुछ भी है, गवर्नमेंट है, अगर उसको हम फिर से खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो कोई सिस्टम ही क्यों ना हो, उसको फिर से खड़ा कर रहे हैं, उसमें कुछ कमियाँ थी जिनको दूर करके फिर से आप नया कर रहे हैं उसको, तो वो कहलाता है रिवैम्प। हम देखते हैं कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि हमको अपना जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, जो परीक्षा प्रणाली है उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, तो वही होता है रिवैम्प का मतलब कि उसे नया करना या फिर उसमें जो कमियाँ हैं उसकी मरम्मत करना और फिर से उसे खड़ा करना। गिव न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म स्ट्रक्चर और अपीयरेंस टू। ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या है, रियून। रियून का मतलब क्या होता है, इसको मैंने पहले बता रखा है, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, कम करना। यहाँ पे लिखा है क्षय या फिर खंडहर। लिखा हुआ है रिड्यूस अ बिल्डिंग और प्लेस टू अ स्टेट ऑफ डिके, कोलैप्स एंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब बिल्डिंग और प्लेस को लेकर के बता रहे हैं ये कि ऐसी स्टेट आ जाए जो डिके हो, मतलब एकदम खत्म होने वाली हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्षय या फिर खंडहर नुमा हो जाए, तो क्या होगा, रियून कहेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो आप समझ गए होंगे, रिवैम्प करने का मतलब जो खंडहर हो चुका है उसको फिर से खड़ा करना, और रियून का मतलब क्या है कि एकदम खंडहर हो जाना। तो आपस में अपोजिट मीनिंग रख रहे हैं सी एंड डी वाले, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे का पहला क्या है, राइवलरी। राइवलरी का मतलब क्या होता है, इस ये राइवलरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइवलरी है। इसका मतलब क्या है, आनंद या फिर मद्यपान का उत्सव जैसे लिखा हुआ, ज़्यादातर इसका मतलब इसी से होता है। मतलब कोई एक ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है उसमें भाग लेने वाले लोगों के द्वारा, तो वो फेस्टिवल कहा जाएगा राइवलरी। ठीक है, लिखा हुआ अ सिचुएशन इन विच पीपल आर ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग ETC, तो वो क्या कहलाएगा, राइवलरी। फिर है बी वाला ऑप्शन, डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब क्या होता है, डिबॉचरी का मतलब होता है व्यभिचारिता। ये किसी व्यक्ति के करेक्टर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अगर डिबॉचरी में है, लिप्त है, मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा व्यभिचारी है वो व्यक्ति। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन सेक्स एल्कोहल एंड ड्रग्स, मतलब बहुत ज़्यादा अय्यासीपूर्ण जिंदगी बिता रहा है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डिबॉचरी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या है, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, मोड़ना या फिर हटाना। मतलब जो एक पाथ है जिसके लिए कोई चीज़ सेट की गई है कि उस पाथ पे उसको चलना है, उस पाथ से उसको हटा देना क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्ट करना। लिखा हुआ कॉज समथिंग टू चेंज डायरेक्शन, टर्न असाइड फ्रॉम स्ट्रेट कोर्स, यही ठीक है कि किसी भी चीज़ को टर्न करना जिस स्ट्रेट कोर्स पे वो चल रही है उससे हटाना। ओके, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक इस्तेमाल किया जाता है, ये भी व्यक्ति की करेक्टर को, मतलब करेक्टरिस्टिक बताने के लिए किया जाता है गुण। कोई व्यक्ति अगर इसेंट्रिक है मतलब वो सनकी है, ठीक है, उसके मूड का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या करेगा। लिखा हुआ है पर्सन ऑफ अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज व्यूज ऑफ बिहेवियर, कि ऐसा व्यक्ति जिसका जो व्यूज है वो बिहेवियर क्या है, अनकन्वेंशनल। जैसा पारंपरिक होते हैं लोग, कैसे व्यवहार करते हैं, बोलने पे, क्या बोलने पे लोगों को अच्छा लगता है, क्या बोलने पे बुरा लगता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका कुछ पता ही ना हो कि आप उससे बोलें या वो आपसे क्या बोले, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसेंट्रिक। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, दोनों से दो कौन से होंगे जो सिमिलर मीनिंग के होंगे, तो ए एंड बी वाले जो ऑप्शन होंगे सिमिलर मीनिंग के होंगे। रेवलरी भी वही है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है मद्यपान में, ड्रिंक करने में, अल्कोहल में, डांस में, सिंगिंग में,
डिबॉचरी का मतलब किसी व्यक्ति की कंडीशन के हिसाब से, मतलब वो भी व्यभिचारी है, अय्याशी में है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं, दोनों ही आनंद की स्थिति है किसी व्यक्ति के लिए। तो ए एंड बी इसका कह सकते हैं नियरली सेम मीनिंग आ रहा है, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथे का पहला क्या है, विमिस्कल। विमिस्कल का मतलब क्या होता है, विमिस्कल का मतलब होता है ये भी व्यक्ति के लिए, जैसे अभी हमने देखा था इसेंट्रिक कुछ उसी तरह है, सनकी या फिर कोई मनमौजी व्यक्ति हो। लिखा है प्लेफुली क्वेंट एंड और फैंसीफुल स्पेशली इन एन अपीलिंग एंड अम्यूजिंग वे। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनमौजी हो, ऐसे काम कर रहा हो लोगों को हंसाने के लिए, अम्यूजिंग वे में कुछ चीज़ें कर रहा हो जो कि कन्वेंशनल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, विमिस्कल बिहेवियर कहलाता है। बी वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस का भी मतलब क्या होता है, मनमौजी। ठीक इसी का कह सकते हैं आप डायरेक्ट सिनोनिम है, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए ये इसका डायरेक्ट सिनोनिम है, कैप्रीसियस, मनमौजी, मतलब चेंजिंग मूड ऑफ बिहेवियर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब इस तरीके से मूड ऑफ बिहेवियर को बदलना जिसके जिसको कोई एक्सपेक्ट भी ना करता हो, अचानक से। अभी आप जैसे आप दुखी हो अचानक से खुश हो जाएं, खुश हैं तो अचानक से दुखी हो जाएं, अजीब अजीब व्यवहार करने लगें, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैप्रीशियस, ठीक है। सी वाला क्या है, ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, जाँच करना, और उसके बाद अगर ज़रूरी हो तो फिर उसकी मरम्मत करना, ठीक है। अगर आप किसी सिस्टम या फिर मशीनरी की बात करें, जैसे लिखा हुआ टेक पार्ट अ पीस ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट एंड रिपेयर इट इफ़ नेसेसरी, कि आप किसी मशीनरी की जांच करें और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उसकी मरम्मत करें, तो उसको कहते हैं ओवरहॉल, और इसी से शब्द बनता है ओवरहॉलिंग, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या है, एडॉप्सिटी। एडॉप्सिटी का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है मोटापन, ठीक है। लिखा हुआ था स्टेट ऑफ बींग ग्रॉसली फैट और ओवरवेट, तो उसको क्या कहेंगे, एडॉप्सिटी, ओके। तो ये चार आपके सामने शब्द हैं, आपको ये तो पता चल ही गया होगा ए और बी क्या हैं, सिमिलर मीनिंग में आ रहे हैं, सेकंड वाला इसका ऑप्शन सही होगा, लेकिन बाकी के दोनों शब्द क्या थे ये भी आपको पता चल गए हैं। चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवें का पहला क्या है, मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, चुभता या फिर व्यंग्य मिश्रित। लिखा हो स्पेशली ऑफ ह्यूमर क्रूएल एंड क्रिटिसाइजिंग इन अ ह्यूमरस वे, मतलब जब आप किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी करें, कुछ कमेंट करें जो कि कैसा हो, व्यंग मिश्रित हो, मतलब हंसी मजाक के सेंस में हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग हो, क्रूअल हो, मतलब जो चुभ जाए सामने वाले को, इस तरह का कोई कमेंट पैसेज आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसको कहा जाता है मॉर्डेंट। और कहेंगे आपने तो ये सब क्या ह्यूमरस वे में कहा है, ज़्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है, लेकिन वो होता इतना कटु है कि सामने वाले को चुभता है। बी वाला ऑप्शन क्या है, आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है, सख्त, बेरहम या फिर अपमानजनक, या फिर इसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रूअल हो कोई भी चीज़, एकदम कह सकते हैं निर्मम, तो वो क्या होगा, आउटरेजियस। लिखा हुआ शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव, मोरली अनएक्सेप्टेबल, कि जो चीज़ मोरली अनएक्सेप्टेबल हो ऐसी चीज़, उसको कहेंगे आउटरेजियस बिहेवियर। कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, मतलब उसका बिहेवियर आउटरेजियस है। सी वाला ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्सीन। ऑप्सीन का सीधा सा मतलब होता है अश्लील या फिर बहुत ही गंदा, जो समाज में एक्सेप्ट ना होने वाला हो, तो ऐसे जो भी काम होते हैं उनको ऑप्सीन कहा जाता है। ऑफेंडिंग अगेंस्ट मोरल प्रिंसिपल्स, कि जो भी मोरल प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट हो, तो ऐसा काम क्या कहलाएगा, ऑप्सीन। और ये देश और कल्चर के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है भारत में कुछ चीज़ें ऑप्सीन हो, लेकिन हो सकता है वही चीज़ बाहर ऑप्सीन ना हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये देश कल्चर और जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ऑप्शन, ओके। डी वाला ऑप्शन क्या है, सार्डोनिक। सार्डोनिक का मतलब क्या होता है, सार्डोनिक का मतलब होता है निरादर भरा या फिर रिंदापूर्ण, मतलब लिखा हुआ शोइंग लिटिल रिस्पेक्ट इन अ ह्यूमरस बट अनकाइंड वे, ऑफन बिकॉज यू थिंक दैट यू आर टू इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर और डिस्कस अ मैटर, मतलब जब आप किसी के सामने इस तरीके से दिखाएं कि आप इतने ज़्यादा महान हैं कि आप किसी चीज़ को कंसीडर करें या फिर डिस्कस करें किसी मैटर को, आप उससे कहीं ज़्यादा महान हैं, और उसकी तरफ कैसे दिखा रहे हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, अनकाइंड और ह्यूमरस वे में दिखा रहे हैं, एक तरीके से निंदा करते हुए कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसे वाले सेंस में, तो क्या कहलाएगा, सार्डोनिक, ठीक है। जैसे कह सकते हैं असार्डोनिक कमेंट। असार्डोनिक कमेंट का मतलब, अगर कोई कमेंट कुछ कर रहा है सार्डोनिक, मतलब वो कैसा है, निंदापूर्ण है, थोड़ा रिस्पेक्ट इस तरीके से दिखाई जा रही है, जैसे आपके ऊपर एहसान किया जा रहा हो, और अपनी अपने लिए ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आपके ऊपर कुछ कमेंट या आपको कुछ बोल दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, उनका बोलना या फिर उनका देखना तक भी। सार्डोनिक स्माइल तक हो सकती है, जैसे कोई आपकी तरफ इस तरीके से देखे निंदापूर्ण, तो उसको सार्डोनिक स्माइल भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो कौन से हैं जो दो मीनिंग में सेम है? देखिए वैसे तो इसमें ए और डी वाला मीनिंग में सेम है, ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे सेम कैसे है। बी और सी वाले भी यहाँ पे मीनिंग में सेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ए और डी वाले को ही सेलेक्ट करेंगे सेम मीनिंग के लिए तीसरा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कह सकते हैं कि आउटरेजियस जो काम होता है वॉयलेंट या फिर वॉयलेंस से संबंधित होता है, उसमें कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेरहम निर्दयी होते हैं, उस तरीके ऑब्सीन काम में वॉयलेंस होना ना होना, ये कह सकते हैं कि वॉयलेंस इसमें ना के बराबर होती है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको समाज में मान्यता नहीं दी जा सकती है, जैसे अगर किसी आप ऐसे देश की बात करें जहाँ पे लड़कियां जीन्स तक नहीं पहन सकती, तो वहां के लिए अगर कोई लड़की जीन्स पहन सकती है तो उसके लिए वो क्या होगा? ऑप्सीन हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोई वॉयलेंट काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो ऑप्सीन है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ें, छठा क्वेश्चन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त प्रवाह या फिर अधिकता। जब किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा उपलब्ध हो, लिखा हुआ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, जरूरत से ज्यादा मात्रा उपलब्ध हो तो उसको कहते हैं प्लेथोरा। ओके, बी वाला ऑप्शन क्या है? ऑफेंसिव। देखिए ऑफेंसिव का एक मतलब क्या होता है? अपमानजनक। जैसे कहते हैं ना कि मैंने कुछ बात बोली, उस पर ज़्यादा ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं। ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं मतलब आपको उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं, वो आपके अपमान के लिए नहीं बोला जा रहा है। एक ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रामक होना, आक्रामक होना। एक डिफेंसिव का ठीक उल्टा, जैसे डिफेंसिव का मतलब क्या होता है? बचाव में खड़े रहना। ऑफेंसिव का मतलब आक्रमण करना या फिर आक्रामक होना, तो वो होता है ऑफेंसिव। लिखा है कॉजिंग समवन टू फील रिसेंटफुल, अपसेट और एनॉयड, ये पहले वाले के लिए यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश का मतलब, लेकिन दो मीनिंग इसके होते हैं। तीसरा देखिए क्या है लिखा है, प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अतिव्यय या फिर आधिक्य किसी भी चीज़ की। यहाँ भी वही है कि अगर अबंडेंस है, अबंडेंस का मतलब बहुत अधिक मात्रा उपलब्ध है, तो उसको क्या कहेंगे? आधिक्य या फिर प्रोफ्यूजन, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या है? कैजोलरी। कैजोलरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी या फिर खुशामद। जब आप किसी की चापलूसी करें, खुशामद करें, इसलिए ताकि आप उनसे अपना काम निकाल सकें, ऐसा कुछ करके, तो उसको कहेंगे कैजोल। ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा कैजोल, ठीक है। लिखा हुआ है कॉक्सिंग और फ्लैटरी इंटेंडेड टू परसुएट समवन टू डू समथिंग। किसी को कुछ काम करने के लिए आप बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं उसकी, तो क्या कहलाएगा? कैजोलरी, ठीक है। तो ये शब्द आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन से दो शब्द हैं जो आपस में सेम मीनिंग के आ रहे हैं? तो ए और सी वाले सेम मीनिंग के हैं, दोनों का मतलब अधिक क्वांटिटी से है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सातवां देखें, लिखा हुआ ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब क्या होगा? ऑर्नामेंट जैसे होता है वैसे ऑर्नेट है। ऑर्नेट का मतलब होता है अलंकृता या फिर विभूषित। जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलेबोरेटली और हाईली डेकोरेटेड, कोई भी चीज़ है, कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो क्या कहलाएगा? ऑर्नेट। बी वाला ऑप्शन क्या है? इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? घटिया या फिर छोटा या फिर जिसकी क्वालिटी क्या हो, खराब हो, तो उसको कहा जाता है इन्फीरियर। या फिर जो आपसे पद में नीचे हो तो उसको भी कहते हैं इन्फीरियर। जैसे सुपीरियर का मतलब क्या होता है? जो आपसे पद में ऊपर हो, उसी तरह इन्फीरियर का मतलब कह सकते हैं कि जो आपसे पद में नीचे हो, ठीक है। वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल का मतलब होता है घृणित या फिर दुष्ट। लिखा हुआ है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का है जो कि बहुत ज़्यादा दुष्ट है, घृणित है, तो उसको कहेंगे वाइल। फिर आखिरी में डी वाला ऑप्शन क्या है? डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब क्या होगा? तुच्छ या फिर निंदनीय। लिखा हुआ डिजर्विंग हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट। कोई व्यक्ति है अगर वो डिजर्व कर रहा है हेट्रेड, मतलब लोग उससे नफरत करें, इस तरह का वो काम करता होगा, निंदनीय काम करता होगा, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डेस्पिकेबल, ठीक है। तो इसमें कौन से दो शब्द हैं जो आप कहेंगे कि यहाँ पे सेम है मीनिंग में? तो ये जो दो शब्द हैं वो कौन से हैं? सी और डी वाले, ठीक है। सी एंड डी वाले कौन, ये चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये दोनों लगभग मीनिंग में सेम आ रहे हैं। वाइल का मतलब भी कोई व्यक्ति जो घृणित हो, दुष्ट हो, और डेस्पिकेबल का भी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है डिजर्विंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट, जो कि निंदा योग्य हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फीरियर का मतलब यहाँ पे छोटे से भी होता है, क्वालिटी इस घटिया का मतलब क्वालिटी में अगर कोई चीज़ खराब हो तो उसको इन्फीरियर क्वालिटी की कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आठवें का पहला क्या है? डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है? इसको उस डिफर से मत याद रखिएगा जहाँ से डिफरेंस बनता है। इस डिफर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी काम को टालना, आगे के लिए टाल देना। लिखा हुआ है पुट ऑफ एन एक्शन और इवेंट टू अ लेटर टाइम, पोस्टपोन करना। एक शब्द जो होता है पोस्टपोन करना, तो वही हम कहते हैं डिफर भी उसका सेम यहाँ पे अर्थ रखता है। बी वाला ऑप्शन क्या है? मैरीमेंट। मैरीमेंट का मतलब क्या होता है? मैरी का मतलब जैसे होता है कहते हैं मैरी क्रिसमस, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं मैरीमेंट का मतलब क्या है। कोई उत्सव हो या फिर चहल पहल वाला कोई इवेंट हो जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो, वहाँ पे बहुत खुशी हो, सब लोग एक दूसरे से खुश रह रहे हों, तो उसको क्या कह सकते हैं हम?
मेरीमेंट, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? सी वाला ऑप्शन कह रहा है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जाहिर करना या फिर अभिव्यक्त करना। जैसे चुनाव वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पार्टियाँ एक पेपर निकालती हैं जिसमें कहती हैं कि वो ये काम करेंगी, मतलब वो जाहिर तौर पे पूरे पब्लिकली ला के लाती हैं कि वो ये काम करने की इच्छुक हैं, इसलिए आप उनको वोट दीजिए। तो वहीं से आपका शब्द बनता है मैनिफेस्टेशन का मतलब अभिव्यक्त करना या फिर जाहिर करना। द एक्शन और फैक्ट ऑफ शोइंग समथिंग, कुछ दिखाना, इस तरह का एक्शन करना, ठीक है। डी वाला ऑप्शन देखिए बहुत ही अच्छा है, लिखा हुआ है इलेशन। इलेशन का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है उत्साह, ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्सिलरेशन, तो उसको कहा जाता है इलेशन, ठीक है। हैप्पीनेस तो आपने बहुत सुना होगा, इलेशन जो शब्द है आपने अगर हो सकता है पहली बार सुना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो कौन से दो इसमें लगभग सिमिलर मीनिंग के हैं? तो बी और डी वाले लगभग सिमिलर मीनिंग के हैं, क्योंकि यहाँ पे बी और डी में दोनों का मतलब एक खुशी से आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? पांचवा वाला, बी एंड डी, ओके। नवा देखें, नवा क्या है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब क्या होता है? अनैतिक या फिर पथभ्रष्ट। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सही रास्ते से हट करके अब गलत रास्ते पे चल रहा हो, अनैतिक हो चुका हो, ठीक है। लिखा हुआ है डिपार्टिंग फ्रॉम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, तो ऐसे के लिए इस्तेमाल करते हैं एबेरेंट, ठीक है। लेवी, लेवी का मतलब क्या होता है? लेवी का मतलब होता है बांध, या फिर ऐसे समझिए लिखा हुआ है एन एम्बार्कमेंट बिल्ट टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ रिवर, मतलब कोई नदी है मान लीजिए या कोई तालाब है, तो उसके किनारे हम अगर कोई ऊंचाई या फिर टीला सा ऐसा बना दें, ऐसे ऊंचे मिट्टी का, पत्थर का, कुछ भी, जिसकी वजह से अगर नदी ओवरफ्लो हो तो उसका पानी नदी से बाहर यहाँ पे शहर में या फिर गांव में ना आ सके, तो उसको कहा जाता है लेवी। किसको? ये जो हम बांध सा बनाते हैं, टीला सा बनाते हैं, इसको लेवी कहते हैं। माउंड का मतलब क्या होता है? माउंड का मतलब होता है टीला या फिर ढेर। लिखा हुआ है अराउंडेड मास प्रोजेक्टिंग अबव अ सरफेस, कि जैसे कोई जमीन है उसके ऊपर कोई एक बहुत ऐसे ऊंचा सा मिट्टी का ढेर सा निकला हुआ हो, तो उसको कहा जाएगा माउंड, ठीक है। एबट का मतलब क्या होता है? एबट का मतलब होता है भिड़ना या फिर मिलना। टच और लीन ऑन, इसका मतलब ऐसे समझिए जैसे कोई दो बिल्डिंगें हैं, ठीक है, दो बिल्डिंगें हैं, ये एक दूसरे से लगभग इस तरीके से हैं कि एक दूसरे से लगभग सटी हुई हैं, टच हो रही हैं, तो इसको कहेंगे अबट, ओके। लिखा हुआ है जैसे भिड़ना या फिर मिलना, या फिर कह सकते हैं कि दो बिल्डिंगें अगर उनकी कॉमन बाउंड्री है तो क्या कहेंगे उसको? अबट कह सकते हैं। तो इनमें दो कौन से ऑप्शन सही होंगे? बी एंड सी वाले मेरे ख्याल से सिमिलर मीनिंग के होंगे, मतलब दोनों का मतलब एक तरीके से बांध या फिर टीले से है जो कि यहाँ पे निकलता है या फिर बनाया जाता है, लेकिन एकदम सेम तो मेरे ख्याल से नहीं है। माउंड जो होता है वो नेचुरल होता है, या फिर कह सकते हैं बहुत कम ही जगह पे हम इसको मैन मेड कहते हैं, लेकिन जो लेवी होता है उसको मैन मेड ही कहा जाता है, जो नदियों के किनारे हम बांधते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं बी एंड सी, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन टिक कर सकते हैं इस तरह। दसवां देखते हैं, लिखा हुआ है चाइड। चाइड का मतलब क्या होता है? चाइड का मतलब झिड़कना या फिर डांटना, किसी को स्कोल्ड करना या फिर रिब्यूक करना, ठीक है, तो उसको कहेंगे चाइड। रिब्यूक आपने सुना होगा, स्कोल्ड भी सुना होगा, एक और शब्द सुन लीजिए क्या, चाइड डांटने के लिए इस्तेमाल होता है। इलेटेड, अभी देखा, अभी हमने देखा था इलेशन, उसी से मिला हुआ शब्द है, उसी से बन रहा है इलेटेड। इलेटेड का मतलब क्या होता है? उत्तेजित या फिर उल्लसित। मेक समवन एक्सटैटिकली हैप्पी, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा खुशी देना, उत्साहित करना, तो क्या कहलाएगा? इलेटेड। एम्पल का मतलब आपको पता ही है, प्रचुर या फिर फैला हुआ। इनफ और मोर देन इनफ, प्लेंटीफुल, इसको कहेंगे। और आखिरी में एडमोनिश, एडमोनिश भी इंपॉर्टेंट शब्द है, एडमोनिश का भी मतलब होता है डांट या फिर धमकी देना, ठीक। टू टेल समवन दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, कि किसी को बताना कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उसको क्या कहेंगे? एडमोनिश, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए एंड डी वाला, चाइड एंड एडमोनिश इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, थर्ड वाला। आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये थे आज के 40 वर्ड जो मैंने आपको बताए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारे वर्ड इसमें नए सीखने को मिले होंगे, और कैसे उनको इस्तेमाल किया जाएगा, क्या मतलब होता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते रहते हैं, ये पांचवी सीरीज, पांचवा पार्ट था, तो आपकी वोकैबुलरी काफ़ी इम्प्रूव होगी। अब आगे से हम कोशिश करेंगे कि एक जो पूरा एडिटोरियल होता है सिर्फ उसी में से यहाँ पे आपके सामने वर्ड प्रस्तुत करेंगे, और उसका लिंक भी मैं दे दूंगा कहाँ से ये सारे वर्ड लिए हुए हैं, जिससे आप जब उस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसका जो कंटेंट है वो समझने में, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनकी भी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। और लाइक किए बिना तो मत जाइएगा।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।